हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट एंड हेल्दी। चलिए, हम आपको ले आए हैं वापस से एक बार हमारे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लिख के रखा है, वो ये कि हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेटा। इस चैप्टर से क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। ओके, सो ऑलरेडी दो वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं हमारे इस चैप्टर के, जिसमें हमने एक बीट के ऊपर फोकस किया। इस चैप्टर के एक बीट के ऊपर फोकस किया, क्या था वो कंसेप्ट? डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो आज की क्लास है हमारी, छोटी सी क्लास है, हम आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की तरफ थोड़ा सा अपना फोकस ले आएंगे, और हमारी कोशिश होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आपको आसानी से 4 मार्क्स स्कोर करने में आसानी हो नीट एग्जामिनेशन में, तो हमारा फोकस वही है आज का। ओके, सो दैट यू कैन बी इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते एग्जामिनेशन में, तो वो है हमारा फोकस। ओके, तो बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। ये जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, ये चैप्टर है फ्रॉम द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, विच इज द 4th यूनिट फ्रॉम अवर नीट सिलेबस। ओके, ये 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया गया है, हम जानते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वॉट इज द इंटेंशन ऑफ दिस चैप्टर, क्या चाहता है ये चैप्टर कि आप सीखें। This chapter mainly focuses on inorganic nutrition of plants. It is not going to focus on organic nutrition. ये organic nutrition के ऊपर focus नहीं करता है, ये chapter focus करता है inorganic nutrition के ऊपर, plants कैसे अपना inorganic nutrition fulfill करते हैं उसके बारे में ये chapter है। तो so we can say simply this chapter mineral nutrition is all about the source, mode of absorption, distribution and metabolism of elements. वो elements जो mostly उनको available होंगे from the soil. Okay? Those elements which are naturally found in the nature, mainly in the soil. तो soil से कैसे plants obtain करेंगे, how will they अपटेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, देन किस तरह से वो जो एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है वो प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रूट्स अपटेक करेंगे, रूट्स ही करेंगे क्योंकि सॉइल सोर्स है मिनरल एलिमेंट्स का, और वहां से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये देखा जाएगा। देन इसके बाद इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से वो एलिमेंट्स जो एक बार प्लांट बॉडी के अंदर आ जाए, जो एक्ट करेंगे एज न्यूट्रिएंट्स, तो वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। ऑलराइट, तो न्यूट्रिशन कंसेप्ट का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन कंसेप्ट का मतलब है इट इज अ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज एन ओवरऑल प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है, रिसीव करता है और यूटिलाइज करता है वो केमिकल सब्सटेंस जो उसके फूड में पाया जाता है फॉर इट्स ग्रोथ डेवलपमेंट, फॉर बिल्डिंग इट्स बॉडी एंड मेंटेनिंग इट्स फंक्शंस। तो न्यूट्रिशन का मतलब तो ये हुआ, और जो पर्टिकुलर वो केमिकल सब्सटेंस है जो ये न्यूट्रिशन में काम आ रहा है उसी को हम कहेंगे न्यूट्रिएंट, वी विल कॉल इट एज न्यूट्रिएंट। ओके, तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको ध्यान रखना है। तो आज की छोटी सी क्लास है, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द बेसिक्स। ध्यान रखिएगा ये क्लास उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस चैप्टर को ऑलरेडी सीख लिया है। ऑलराइट, इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2020 और फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी लर्न्ड दिस चैप्टर। ओके, तो ठीक है,
तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, इस चैप्टर में बताया गया है वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म और कंप्लीटिंग देयर बॉडी फंक्शंस। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कौन से एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स कंसिडर किया जाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स, वैसे तो प्लांट बॉडी में कई तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट सारे के सारे एसेंशियल नहीं होते। तो किसको कंसिडर किया जाए एज एसेंशियल एलिमेंट, वो जानना जरूरी है। सो एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल, किसी एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट तब कंसिडर किया जा सकता है जब उसका कोई रोल हो प्लांट बॉडी में। वो रोल हो सकता है स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, हो सकता है उस एलिमेंट का रोल प्लांट बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल हो या फिर फंक्शनल रोल हो। फंक्शनल का मतलब ही फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद इन द प्लांट बॉडी। ओके, तो एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल इफ इट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल विद इन द प्लांट बॉडी एंड विदाउट विच, बिना उसके प्लांट कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वो कभी एबसेंट हो जाए तो प्लांट बॉडी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो तब उस एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एसेंशियल एलिमेंट है। ऐसे वैसे एलिमेंट को हम एसेंशियल कंसिडर नहीं कर सकते। ऑलराइट, और एक बार बताता हूं, एन एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट इफ इट हैज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल विद इन द प्लांट बॉडी एंड विदाउट विच प्लांट्स कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ऑलराइट, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये सब पता किया गया है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पता चला देर आर अ टोटल ऑफ 17, ऐसे कितने हैं टोटल 17 एलिमेंट्स हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं प्लांट बॉडी को नॉर्मली ग्रो और डेवलप होने के लिए। ओके, तो वो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में देखा जाए तो उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर। सो दीज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। पहले कैटेगरी बनती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, द फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंड कैटेगरी इट इज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो देख सकते हैं अभी जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। एक कैटेगरी वो है उन एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए वो जो रिक्वायर्ड होते हैं इन लार्जर अमाउंट्स टू द प्लांट बॉडी, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी ह्यूज अमाउंट्स। ओके, इसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है किताब के अंदर, विच आर रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट टिश्यूज, है ना। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें आते हैं 9 एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन हाइएस्ट अमाउंट्स। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो इट इज बेटर इफ यू लर्न देम इन द 3-3 सेट्स। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ऑन द अदर हैंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो 8 है इन नंबर। ओके, दैट इज बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, फेरस, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकेल एंड जिंक। ये है हमारे 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, ये आपको बाय हार्ट करने हैं, आपको लर्न करने हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से 9 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट, ड्राई मैटर ऑफ प्लांट टिश्यूज। एंड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स, वो लो अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज लोअर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई वेट ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो 8, 9 ये आपको लर्न करने हैं, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, देन मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रहा हूं
आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना और आपको एक समझना है। प्लांट बॉडी में जो अपन ने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें चाहे तो आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर, उसके दो लेक्चर्स बने थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स के, तो उसमें मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी अक्सर होती है प्लांट बॉडी में एसेंशियल एलिमेंट्स की, मतलब इनमें से इन 17 में से किसी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो प्लांट बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली विजिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। ऑफकोर्स वो अबनॉर्मल चेंजेस रहेंगे, किसकी वजह से, इनमें से किसी भी एक की कमी हो जाए तो प्लांट बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे जो एक्सटर्नली विजिबल रहेंगे। ओके, किसकी वजह से आए वो, इनमें से किसी की भी कमी हो जाने की वजह से। तो एक बात तो क्लियर है, डेफिशिएंसी इनकी भी हो सकती है, डेफिशिएंसी इनकी भी हो सकती है ना। और कब किसी एलिमेंट को डेफिशिएंट माना जाता है, अगर वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बिलो, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन चला जाए तो हम कहते हैं कि वो डेफिशिएंट हो गया है। बताया तो था प्रीवियस लेक्चर में, चाहे तो वापिस आप रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, इन सब के लिए वो टर्म लागू होता है, कौन सा, इन सबको एसेंशियल बोला गया है, मतलब इनका प्लांट बॉडी में कोई ना कोई या तो स्ट्रक्चरल रोल है या तो फिर फिजियोलॉजिकल रोल है, आइदर दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल रोल और दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शनल रोल और फिजियोलॉजिकल रोल विद इन द प्लांट बॉडी, विदाउट विच, विदाउट देम, इनमें से एक भी अगर कभी एबसेंट हो जाए तो समझ लेना प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, विदाउट विच द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो एसेंशियल, ओके, इनको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, चार पांच पॉइंट से बहुत सिंपल है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इनका प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, दे आर इररिप्लेसेबल, मतलब इनको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर पोटेशियम कभी डेफिशियंट हो जाए तो पोटेशियम का फंक्शन करने वाला दूसरा कोई मिनरल एलिमेंट नहीं होगा, तो इररिप्लेसेबल। ओके, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, उनकी कमी पूरी करने के लिए उनको ही वहां पे लाना पड़ेगा, उनको ही वहां पे अवेलेबल होना पड़ेगा। ओके, तो ये बात विशेष है, आपको ध्यान रखनी है। दे आर इररिप्लेसेबल, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स और इनका रोल डायरेक्ट होता है प्लांट बॉडी के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जो कुछ भी एक्टिविटीज है प्लांट की, लाइफ एक्टिविटीज है, लाइफ प्रोसेसेस है, इन सब का डायरेक्ट रोल होता है। अगर ये कभी एब्सेंट हो जाए तो प्लांट बॉडी का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, प्लांट बॉडी मे नॉट बी एबल टू सेट द सीड्स। ओके, सो ये सब क्राइटेरिया में आपने पढ़ लिया होगा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मैंने रिकॉल करा लिया, तो ये सब है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा यहां से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर फ्रॉम द पर्टिकुलर बीट डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मैंने बताया था डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में दिखाई देते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वही डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने लिस्ट बना लिया है, आपको इसको याद करना है। ओके, ओके, अब मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए डेटा है। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है एज मोबाइल एलिमेंट्स, मतलब वो प्लांट बॉडी में मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन रीजन, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उनको हम कहेंगे मोबाइल एलिमेंट्स। तो उसमें कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इनको कंसिडर किया जाता है एज मोबाइल एलिमेंट्स। देन ऐसे भी तो होते हैं जो इमोबाइल कंसिडर किए जाते हैं, इमोबाइल एलिमेंट्स विच कैनॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, वो मोबिलाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसी टिश्यू का, किसी सेल का या किसी पर्टिकुलर पार्ट का,
तो इसीलिए वो मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं। तो उसमें लिस्ट बनती है कैल्शियम, फेरस, दैट इज आयरन, बोरॉन एंड कॉपर, ये है इमोबाइल एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके लिए डेटा एक कंसेप्ट है बैलेंसिंग एलिमेंट्स। बैलेंसिंग एलिमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग एलिमेंट्स? वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो काउंटरैक्ट कर सकते हैं द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर मिनरल एलिमेंट्स के अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके खिलाफ वो काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट्स। तो इसके लिए तीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ओके। लास्ट वन बेनिफिशियल एलिमेंट्स, इसको हम कहेंगे, लास्ट कंसेप्ट को हम कहेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट अदर देन एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही सारे प्लांट्स को, बट अपार्ट फ्रॉम देम ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल एलिमेंट्स, जो बेनिफिशियल होते हैं हायर प्लांट्स के लिए, एस्पेशली फॉर हूम, हायर प्लांट्स मतलब कौन से, एंजियोस्पर्म्स, ताकि उनके कई सारे फंक्शंस में ये बेनिफिट कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलिनियम। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलिनियम। सो ये था वो इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपको बताना चाहता था। यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ओके। मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं इमोबाइल? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, वो आसानी से मूव नहीं होते, उनको रिलीज ही नहीं हो पाते ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका वो कंपोनेंट है, इसीलिए वो इमोबाइल। बैलेंसिंग एलिमेंट्स दोज दैट काउंटरैक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ अदर मिनरल एलिमेंट्स, के खिलाफ काम कर सकते हैं। अगर दूसरे मिनरल एलिमेंट्स के कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं तो ये उसके खिलाफ काम कर सकते हैं। बेनिफिशियल, देखिए ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स जो है ये हायर प्लांट्स के लिए है, दिस इज फॉर हायर प्लांट्स। सो दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद एसेंशियल एलिमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम द एसेंशियल एलिमेंट्स दे आर इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज हायर प्लांट्स। सो ये है वो इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में डेटा काम आएगा, ओके। तो पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।